हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बात होगी आज 8 सितंबर 2018, कैसा रहेगा आप सभी का राशिफल। दोस्तों आज रहेगा थोड़ा डिटेल में राशिफल, क्योंकि आज है समय मेरे पास कि जैसा मैंने आप सभी को पहले बताया था कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो मेरे घर पे चल रहा है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ध्यान अपने काम की तरफ नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा समय मिल रहा है, थोड़ा सा काम कम है, तो मैंने सोचा कि आज आपको डिटेल में आपका राशिफल आपको दोबारा से दूँ। आपने पेशेंस बनाए रखा उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और इस तरह चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, बहुत जल्दी हम 2 लाख वाले हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, और वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत कर लेते हैं हम लोग मेष राशि से कि मेष राशि वाले कैसा परफॉर्म करते हुए कल दिखाई दे रहे हैं। हल्का फुल्का मूड आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है, हर चीज आपको अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि खर्चे थोड़े से बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं सुंदरता संबंधित यानी कि कॉस्मेटिक्स इत्यादि पर आप खर्चे करते हुए थोड़े से मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोई बुरी बात नहीं है। प्यार के संबंध थोड़े से अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप जीवन साथी के साथ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफी अच्छी पर्सनैलिटी आपकी होती हुई कल दिखाई दे रही है। अगर आप अपने दिमाग से ज्यादा काम लेंगे तो आप अपने आप को ज्यादा संतुलित कर पाएंगे। दिल तो हमेशा इमोशनल ही होता है, तो मैं कहूँगा कल थोड़ा दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करें। वहीं अगर आपके कैरियर के बारे में बात अगर करूँ तो आपका काफी ज्यादा फोकस भी अब कैरियर की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो कि एक पॉजिटिव इंटेंट है आपकी तरफ से, और कहीं ना कहीं इससे आपको काफी अच्छा लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कहूंगा जोड़ तोड़ की राजनीति और जो ऑफिस की राजनीतियां होती हैं उससे अपने आप को बचाकर चलेंगे दोस्तों तो काफी बढ़िया होगा, जिससे आपका जो काम करने का तरीका है उसमें भी कल निखार जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा है, आपको आपको इसका फायदा जो है वो उठाना मेरे हिसाब से चाहिए। लव मैटर्स अच्छे हैं, पारिवारिक माहौल अच्छा है, और क्या चाहिए, बस एंजॉय कीजिए। वृषभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आज का दिन थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन लेकर आ सकता है। आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा संभल कर बात करें जो लोग थोड़े से चराचर सी बातों को दिल पे लगा लेते हैं, क्योंकि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं कि जिनको जो अपने आप को जब मजाक करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जब उनके साथ कोई मजाक करता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे संवेदनशील व्यक्तियों के साथ थोड़ा सा संभल कर बात करने की जरूरत है, और कुछ ऐसे फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं, या कहूँ फैसलों से बचना पड़ सकता है जो आपको शायद अभी नहीं लेने हैं, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। वहीं अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा सा देखभाल कर चलाएं, छोटी मोटी चोट लगने की आशंकाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि गाड़ी चलाते समय बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो आपको करना पड़ेगा, कुछ अगर जरा सी भी लापरवाही की तो चोट लगने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग जो आपको रोमांटिक कहते हैं और कुछ लोग जो आपको रोमांटिक कम कहते हैं वो अब आपके रोमांटिक नेचर की तरफ आकर्षित होते हुए जरूर दिखाई देंगे, और काफी ज्यादा आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करने की जरूरत रहेगी। कल हो सकता है कि रोमांटिक उसमें कुछ उलझने आपकी बने, और आपको समझने की जरूरत रहेगी कि कौन आपके पक्ष में है और कौन आपके विपक्ष में है। वहीं अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो मैं कहूंगा कि दिन काफी अच्छा है आपके लिए, लेकिन आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह मेरे हिसाब से ले लेनी चाहिए। और अगर आप दवाइयों का काम करते हैं या रिपेयरिंग का वर्क करते हैं तो दिन आपके लिए काफी अच्छा है, लेकिन सट्टा बाजार में अगर आप पैसा वैसा लगाते हैं या शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं तो दिन आपके लिए ठीक है, लेकिन फिर भी कहूंगा कि थोड़ा सा एक्सपर्ट की सलाह ले लें तो बेहतर दिन होता हुआ दिखाई देगा आपको। मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे तो दिमाग काफी बढ़िया रहेगा, प्रोएक्टिव रहेगा, और काफी बढ़िया आत्मविश्वास के साथ दिन की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, जिससे आप नई नई योजनाओं पर आसानी से अपने आप को रेगुलेट करते हुए दिखाई देंगे, काम करते हुए दिखाई देंगे। आपका जो पर्सनैलिटी है कल निखर के आएगी, और ये पर्सनैलिटी का जो इफेक्ट होगा ये आपके काम पे और आपकी प्रेजेंटेशन पे कल पड़ता हुआ दिखाई जरूर देगा। आप दिमाग के काफी तेज हैं और काफी ज्यादा प्रोएक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर प्यार के संबंधों में हैं और नई कुछ रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, यानी कि गंभीर होना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप्स के लिए, तो समय बहुत अच्छा है, आप एक नया दौर की शुरुआत कल कर सकते हैं। और अगर आप शादी के लिए आगे फोकस हैं तो प्रपोज करने के लिए दोस्तों दिन काफी अच्छा है, आप प्रपोज कर सकते हैं। कुछ दिनों से जो मेहनत आप लोग कर रहे थे वो मेहनत आपको
शक्ल रंग लाती हुई दिखाई देगी, लेकिन फिर भी कहूंगा कि कुछ ऐसे परिणाम नेगेटिव आपको देखने को मिल सकते हैं, उसमें आपको पॉजिटिव थॉट के साथ आपको काम करते हुए चलना है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी होते हुए आपको नहीं दिखानी है, क्योंकि परिणामों में क्या होता है कि 50-50 तो नहीं कहूँगा, 70-30% आपके पक्ष में और 30% नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि सबको संपन्न तो देखो कोई भी नहीं होता। कुल मिलाकर दिन अच्छा है, आपको एंजॉय करना चाहिए। कर्क राशि वालों, आगे बात जरूर करूंगा, लेकिन चैनल को जो अभी पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर बटन आ रहा है उसको बहुत तेजी से प्रेस कर दो, और उसके बराबर जो घंटी बन के आ रही है उसको भी दबा दो, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन को आप ना तोड़ो। कर्क राशि वालों, दिन की शुरुआत काफी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, बाकी काफी समय से जिस योजना में आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स जो है कल देती हुई दिखाई दे रही है। सहकर्मियों के साथ भी कहीं आप बाहर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और भविष्य की नींव आप रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य आपका उच्च कोटि का है और इसी स्वास्थ्य के अच्छे होने के कारण आप बहुत अच्छे फायदे से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी का संचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यद्यपि आप प्रेम के मामलों में आपको थोड़ा सा यहाँ सावधान होने की जरूरत रहेगी, और आपको किसी बुजुर्ग की सहायता यहाँ पर मिलेगी, उनकी सलाह आपके प्रेम के में काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि भ्रम की स्थितियाँ थोड़ी सी बन रही हैं, उसमें आपको चाहिए कि आप किसी बड़े बुजुर्ग का या किसी ऐसे दोस्त का सहारा लें जो आपकी इस समस्या को दूर कर पाए। जहां तक रही कार्यों की बात, कार्य में आपकी स्थिति यह है कि वरिष्ठ अधिकारी जो है आपके जो बॉस है वो आपके कामों को माइन्यूटली चेक कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी भी तरह की कोई गलती कल ना करें। दिन कुल मिलाकर ठीक ठाक है। सिंह राशि के बारे में बात जरूर करूंगा और ये बताऊंगा आपको कि क्या सिंह राशि वालों को कल करना चाहिए। आज काफी अच्छे से आप परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको जो समस्याएं चल रही थी, जो प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी, उसमें अब आपको ये लगने लगेगा कि मुझे किसी एक्सपर्ट की सलाह अब जो है वो ले लेनी चाहिए। आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और कठिन मेहनत के लिए तैयार रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और टीम वर्क से आप काम करते हुए दिखाई देंगे। घर की तुलना में आपकी जिम्मेदारियां बाहर की, बल्कि कहूं कि घर की जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हुई कल आपको दिखाई देंगी। कार्यालय में भी स्थितियां काफी बढ़िया होती हुई दिखाई देंगी, प्रेम की स्थिति काफी सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी, लोग आपके ऊपर टकटकी लगाए देख रहे हैं और आपसे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं। भले ही आप टीचिंग में काम करते हो या किसी भी उसमें काम करते हो, तो लोग ये टकटकी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें से कुछ विरोधी भी ऐसे हैं जो आपकी माइन्यूटली चीज़ों को चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ कौन सा ऐसी चीज़ आप छोड़ें जिसको उनको कहने का मौका मिले। लेकिन मेरी बात मानिए, आप कल कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको बातें सुनने को मिले। दिन बहुत अच्छा है, एंजॉय कीजिए। कन्या राशि वाले दूसरों को प्रभावित करने की स्थिति में बन रहे हैं, कुछ ऐसे बिजनेस डील्स आप फाइनल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो आपकी काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, कल आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई देगी और पक्के फैसले लेने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। पुराने कर्ज से मुक्त हो सकते हैं आप और काफ़ी अच्छे से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य की तरफ आपका ध्यान अभी नहीं है, जो चीज़ें आपने अपने लिए सेट करी हैं उन पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो कि मैं कहूँगा कि भाई अच्छी बात नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी उतना ही ध्यान दें जितना आप अपने काम की तरफ देते हैं। काम के प्रति आप काफ़ी सजग हैं और काफ़ी अच्छे से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर लव लाइफ की आपकी बात करूँ तो लव लाइफ में भी आपको चाहिए कि आप उसको प्रॉपर तरीके से चलाएं। अगर आप उसको सीरियस भी नहीं लेंगे तो कोई तीसरा व्यक्ति उसमें आकर हारिज हो सकता है और कहीं ना कहीं गलतफहमियां पैदा कर सकता है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखें और उनको अपने आप बताएं। अगर आप भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ जो हैं वो थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ होती हुई दिखाई देंगी। वहीं नौकरी में आपकी एक सोच यह भी चल रही है कि अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उसको छोड़ दूं, तो मैं कहूंगा कि अभी समय उस हिसाब से नहीं है। आप देखते रहिए, अच्छे देखते रहिए, इंटरव्यू देते रहिए, लेकिन अभी आपको कुछ दिन हो सकता है कि वेट करना पड़े। तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं, तो आप कुछ घबराए हुए से मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसी समस्याएं आपके सामने आ गई हैं जो ना आप किसी के साथ शेयर कर पा रहे हैं ना आप किसी से कुछ कह पा रहे हैं। हालांकि मैं आपको कहूं कि अगर आप किसी बड़े से अपनी बातों को शेयर करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन
कल मिलेगा और कहीं ना कहीं दोपहर आते आते तक स्थितियां काफी आपके पक्ष में हो जाएंगी। वहीं आपके जो पार्टनर की स्थिति है वहां पर आपको चाहिए कि गलत फहमियाँ और झुंझलाहट अपनी ना दिखाएं और सारे मुद्दों पर दिल खोल कर बात करें, नहीं तो अगर आप चुप चुप रहेंगे तो हो सकता है कि स्थितियां और गंभीर हो जाएं। दिन थोड़ा मध्यम तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवर्तन का समय जरूर है, परिवर्तन आ रहे हैं कुछ धीरे धीरे, लेकिन अभी आपको चाहिए कि इन परिवर्तनों को बहुत पॉजिटिव तरीके से लें। कई बार ऐसा होता है तुला राशि वालों की आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं, तो जो हो रही होती हैं उनके साथ ही आपको थोड़ा सा यहाँ पर तालमेल बनाकर चलने की ज़रूरत होती है। दिन कुल मिलाकर थोड़ा कहूँगा और राशियों के मुकाबले आपका मध्यम है और आपको बहुत ज़्यादा समझकर सहजकर चलने की ज़रूरत रहेगी। कुल मिलाकर आपको बहुत सावधान पूर्वक चलना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों आगे पढ़ूंगा, लेकिन जिन्होंने चैनल को पहली बार देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो सब्सक्राइब और घंटी को बजा दो जिससे कोई नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। वृश्चिक राशि वालों आपके लिए काफी अच्छी थिंकिंग प्रोसेस इस समय चल रही है। आप आने वाले कुछ समय के लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। वहीं पर आप इन चीजों को देख पाएंगे कि कौन आपका सगा है और कौन आपके विरुद्ध में खड़ा है। तो अगर मैं कहूं कि दिन जो है वो एनालिसिस करने का है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सेहत आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी पिछले दिनों जो काम आपके चल रहे थे उससे आप थकान महसूस जरूर करेंगे। हालांकि मैं कहूंगा कि अगर आपको आराम मिलने की ज़रूरत है तो आप आराम ज़रूर करें, क्योंकि वैसे भी वीकेंड का समय है, वीकेंड में थोड़ा सा आराम तो दोस्तों आपका बनता ही है। पार्टनर के साथ आप अच्छा समय बिताते हुए कल दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं डिनर या लंच पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ गेट टुगेदर की स्थिति भी बनती हुई अब दिखाई दे रही है। हो सकता है आप परिवार के साथ ही अपने जीवन साथी के साथ किसी खाने पे या डिनर पे जाएं। आप काफ़ी ज़्यादा अध्ययन में हैं, आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में हैं और एक अच्छे मौके की तलाश में हैं, जो कि वो मौका अब आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। इसमें कहीं भी कोई बड़ी बात नहीं है। दिन अच्छा है, बस सहयत होकर चलिएगा, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को जगह मत दीजिएगा। धनु राशि, आपके जो करीबी हैं वो आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी ही धूम में हैं, उनकी सुन नहीं रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। धनु राशि वालों, आपको चाहिए कि आप उनकी बातों को सुने और पुराने किसी स्कूल के दोस्त से मुलाकात कल आपकी हो सकती है या फोन पे बात आपकी हो सकती है, जिससे आप पुराने मतभेदों को बुलाकर उसके साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा डिसिप्लिन होने की जरूरत आपको रहेगी और स्वास्थ्य में भी खास तौर से आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है। जंक फूड ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं और जितना हो सके अपने आप को रूटीन में लाएं, क्योंकि एक्सरसाइज वाइज और स्वास्थ्य वाइज आप रूटीन में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि वालों, प्यार को भी संभाल कर चलने की जरूरत रहेगी। हालांकि अभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट तो यार इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी कहूंगा कि थोड़ा सा आपको चाहिए कि जो आपके अगर अफेयर सबके चल रहे हैं और एक अफेयर से ज्यादा आपके अफेयर चल रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की और समझने की जरूरत आपको पड़ सकती है। अट्रैक्शन आपकी तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों का, जिससे आप कन्फ्यूजन स्टेट में आते हुए कल दिखाई दे रहे हैं। व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी, आपको नए नए सुझाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। दिन कुल मिलाकर कहूंगा मिक्स बैग की फीलिंग वाला रह सकता है। मकर राशि वालों, कई तरीके के विचार आपके मन में कल आ सकते हैं जो आपके मन को थोड़ा सा उलझा सकते हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि कौन सी चीज करें कौन सी चीज ना करें, इससे कहीं ना कहीं सर में दर्द होने की स्थिति भी आ सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप बहुत ठंडा दिमाग रखकर चलें और प्रायोरिटीज के हिसाब से चलें। दिन थोड़ा सा मध्यम कहूंगा और स्वास्थ्य के तरीके से भी आपको बहुत देखने की जरूरत है और वहीं बाहर के खाने से आपको बचाव करने की जरूरत है। रिश्ते के लिए समय थोड़ा सा ठीक हुआ है, पिछले कई दिनों से मैं मकर राशि वालों को कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अप एंड डाउन आपको देखने को मिल रहा है। रिश्तों के लिए समय अच्छा है, आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और क्योंकि इमोशनल फ्रंट पे थोड़े से बीच में काफ़ी दिनों से आपकी प्रॉब्लम चली हैं, तो आपको चाहिए कि आप समय का धीरे धीरे फायदा उठाएं। मैं आपसे काफ़ी दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि समय जो है वो मकर राशि वालों ठीक होता हुआ आप दिखाई देगा, तो समय आप धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है सही होने का, तो आपको चाहिए कि आप अपनी रिलेशनशिप्स को भी प्रायोरिटीज उतनी ही दें जितना आप अपने काम को देते हैं। आपको आपके एक्सपीरियंस से कल आपको बहुत फायदा होगा, खास तौर से आपके ऑफिस में आपने जो गलतियां पिछले दिनों की थी वो गलतियां आप दोबारा ना करें, तो इसलिए आपको पुरानी जो चीजें आपने की उससे आपको फायदा लेना चाहिए और आप लेंगे भी। दिन कुल मिलाकर मिक्स बैग की फीलिंग वाला ही कहूंगा। कुंभ राशि वालों के लिए बोलना
चाहता हूं कि दोस्तों थोड़ा सा बात करते समय ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों में ना फंसे और किसी पे उतना विश्वास ना करें जितना आप आंख मूंद कर, मैं कहूँगा विश्वास ना करें। अगर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लमेटिक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी बात डायरेक्टली अपने साथी से कहें, किसी तीसरे से उसे पता चलेगी तो कहीं ना कहीं उसे बहुत दर्द होगा। दिन स्वास्थ्य के मामले में उलझा हुआ रह सकता है, जैसा कि स्थितियां दिखा रही हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की जरूरत है, ज्यादा चौराहों से और गलियों से घूमने की जरूरत आपको नहीं है। वहीं किसी पुराने रिश्तेदार से मुलाकात कल आपकी हो सकती है और इस मुलाकात की वजह से जो करंट सिचुएशन में आपके जो रिश्ते चल रहे हैं उसमें कुछ कुछ प्रगति आपकी होती हुई दिखाई दे रही है और रिश्तों में कुछ नयापन आप कल महसूस करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आपको अपनी भावनाओं का भी कदर करना होगा, दूसरे के लिए इतना ना बच जाए कि अपनी भावनाओं का भी कदर करना छोड़ दें। आपको चाहिए कि आप अपने आय में और व्यय में थोड़ा सा संतुलन बना के रखें। आय में वृद्धि होने के संकेत तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन फालतू के खर्चे भी दोस्तों कल कुछ बढ़ते हुए दिखाई मुझे दे रहे हैं। दिन कुल मिलाकर ठीक ठाक कहूंगा, बस थोड़ा सा जो बातें मैंने आपसे कही हैं आप उनका ध्यान जरूर रखें। बात करूंगा मीन राशि की कि मीन राशि वाले कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दिन के साथ साथ कई बार आपका मूड जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा लेकिन भाग्य के अत्यधिक भरोसे ना रहें, कर्म में विश्वास रखें। शारीरिक स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। आप अगर जिम जाना चाहते हैं, जिम स्टार्ट करना चाहते हैं तो काफी अच्छा दिन है, और अगर आप एक एथलीट हैं या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो उसके लिए दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप उस सारे काम अपने सारे लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे जो आपने तय किए थे। अगर आप पार्टनर के साथ कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं घर खरीदने की तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आप एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन के बारे में आप सोच सकते हैं। और दिन में कई बार खुश मिजाजी वाला रूप आपका आपको आप करते हुए दिखाई देंगे, जॉली मूड में आप दिखाई देंगे, सुस्ताते हुए आप कल कुछ दिखाई देंगे। वहीं अगर आपके ऑफिस के बारे में बात करूं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलें और हर चीज़ को गंभीरतापूर्वक लें और हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली कर काम करते हुए चलें, जिससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपको इन फ्यूचर आपको ना हो। खाली समय में आप अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है कल करते हुए मुझे दिखाई देंगे। दिन कुल मिलाकर आपके पक्ष में है, बट भाग्य का भरोसा जरूर करें, लेकिन उस पर बिल्कुल ही भरोसा पूरा ये नहीं कि आज मैं कुछ भी करूंगा वो सही होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा लेकिन अति उत्साही यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपको बचना होगा। तो दोस्तों ये हुआ एक डिटेल का एनालिसिस, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। और फिर से आपसे माफी चाहता हूँ कि भैया रोज ये ऐसे राशिफल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एनालिसिस वगैरह होते हैं तो समय नहीं होता, लेकिन मेरा ही प्रायोरिटी है कि आपको मुझे वीडियो देनी है तो कई बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। इसी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको रोज दे पाऊँ, लेकिन जिस दिन ना दे पाऊँ उस दिन आप मेरी भावनाओं की कदर करिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय तक बने रहिएगा। कॉन्टेक्ट करिए मुझसे व्हाट्सएप पे, पर्सनल एनालिसिस आर पेड, और प्लीज व्हाट्सएप कॉल भी मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।